शांति 30 मई 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ मेकम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शीर खंड ही होंगे, एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं, पुरानी दुनिया भी मेरी है। सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है। यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना? बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छी-छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं।
देवताओं को तो कह न सकें, सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है, बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना, अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं, बाप को ही तरस पड़ेगा। वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिकर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठिकर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो, मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं, जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है।
वहाँ दुखदाई कोई चीज होती नहीं, यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास, वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही चार, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से, अरे उनका भी तो कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का, हम उनके पोत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है, वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के
अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की महिमा अपरम अपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है, शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है, कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं, मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं, जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं। यहाँ भी बाप कहते हैं, रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में, सतयुगी कभी रोते नहीं हैं। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ, रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं, रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं। भगवानुवाच बच्चों को ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान रहमदिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की
सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति में तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है, उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.